अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो हम देखते हैं कि औरतों की, लड़कियों की जैसे कि ज़िंदगी उजड़ जाती थी। इंडिया में तो सती का सिस्टम चलता था। यहाँ तक कि 1829 में ब्रिटिश हुकूमत ने बंगाल सती रेगुलेशन लाए। फाइनली जाकर 1861 में पूरे इंडिया में सती बैन हो गया। लेकिन 1987 यानी कि चंद साल पहले रूप कन्वर का केस हुआ, सती केस, जिसमें हजारों लोगों के सामने एक औरत ने सती किया, यानी कि अपने शौहर की जलती हुई चिता के ऊपर जिंदा जलकर राख हो गई। तब जाकर 1987 में इंडियन गवर्नमेंट ने द कमीशन ऑफ सती एक्ट लाए ताकि सती को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ों से 1400 साल पहले इस्लाम ने, चाहे किसी औरत का तलाक हो जाए या उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, कुरान की आयत है सूरह नूर की, सूरह 24 आयत नंबर 32, वन की हुल अयाम अमिनकुम, तुम में जो भी सिंगल हो, चाहे शादी ना होने की वजह से या डिवोर्स या विडो होने की वजह से, उनकी शादियां करा दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको कई केसेस मिलेंगे जहां जब औरतों की इज्जत ख़त्म होती, 4 महीने 10 दिन का वेटिंग पीरियड, वैसे ही उनके सामने कई प्रपोजल्स होते और उनमें से वो सिलेक्ट करती कि कौन सबसे सूटेबल है और उनके साथ शादी होती। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।